हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, जी हाँ, ये जो आपको गलियां दिख रही हैं ये हैं मेरठ की गलियां। जी हाँ, यूपी मेरठ की गलियां। और मैं सुबह सुबह दिल्ली से मेरठ आ गया हूं और यहां के आपको दिखाएंगे नगीने। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो हम हैं इस वक्त मेरठ के कागजी बाज़ार, जो कि सराफा बाज़ार के अंदर छोटी सी गली है। यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा आप पैदल आइए या टू व्हीलर पे आइए। और हम यहाँ कहाँ आए हैं वो दिखाता हूँ। मेरे पीछे है रामो स्वीट्स और यहाँ का नाश्ता यानी कि पूड़ियों का नाश्ता बहुत ज़्यादा फेमस है। गुलाब जामुन भी मिलते हैं और यहाँ पे सुबह सुबह जलेबियाँ भी मिलती हैं। थोड़ा सा आपको एरिया दिखाते हैं कि किस टाइप का ये बाज़ार है और फिर खाना भी चखेंगे और रेट्स भी, और यहाँ रामो स्वीट्स के जो ओनर हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आप लोकेशन देख सकते हैं, छोटी पतली सी गली है, उसी के बीच में रामो स्वीट्स है। यहाँ हम गूगल मैप की हेल्प से पहुँचे हैं। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको हम गूगल मैप और इनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सब आपको मिल जाएगी। उसको फॉलो करके बड़े आसानी से आ सकते हैं। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, टू व्हीलर पर आइए या पैदल आइए, क्योंकि फोर व्हीलर हम भी बाहर लगा के आए हैं, अंदर आना बहुत मुश्किल है, इतनी चौड़ी सड़कें नहीं है ये। तो देखिए, गर्मा गर्म यहाँ पे पूड़ियाँ तैयार होती हुई। सामने अंकल जी देखिए, बिल्कुल अपना ड्यूटी देते हुए, छोले लगे हुए हैं, जलेबियाँ देखिए कितनी, मुंह में पानी आ रहा है। सोच रहा हूँ कि शूटिंग बाद में करूँ और जलेबी पहले खा लूँ। और ये देखिए, ये स्पेशल इनका अचार भी है, गाजर का अचार। जी हाँ, ये और ये सर्दियों में ही रहता होगा, गर्मियों में कौन सा अचार रखते हैं? बाजार का। अच्छा, सर्दियों में आपका अपना ये रहेगा, वाजिबा। और ये देखिए, ये आलू खड़े खड़े चटपटे आलू लग रहे हैं और साथ में चने हैं इसके अंदर मिक्स, अदरक से ऊपर सजाया हुआ है। और ये देखिए, ये इनकी छोलों की सब्जी है, ये देखिए, ओ वाजिबा, मुझे अम्बाले की याद आ गई अपने। वाह, और महक बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत महक प्यारी। और पीछे देखिए, गुलाब जामुन, आह, अच्छा, मेरे को लगा गुलाब जामुन है लेकिन नहीं, ये मालपुआ है। ये देखिए, वाह जी वाह, तरीका देखिए, ऐसे दूर से लग रहा था कि गुलाब जामुन है, नहीं, मालपुआ है, मज़ा आने वाला है। तो जो मैंने शुरू में कहा कि यहाँ गुलाब जामुन मिलते हैं, तो गुलाब जामुन नहीं है, ये मालपुआ, ये मालपुआ है। और जलेबियाँ देखिए कितनी, 60 साल पहले ये हमने बनाया, 60 साल पहले, वाह जी वाह, 60 साल से बैठे हैं हम यहाँ, वाह जी वाह। और ये देखिए चने देखिए, और यहाँ बराबर में गर्मा गर्म एकदम पूड़ियाँ तैयार होती हुई। ये पहले हाफ डन कर ली जाती हैं और इसके अंदर पीठी की स्टफिंग रहती है, और आप देखिए इसको दोबारा डाल दिया गया है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो हमारे जैसे ही यहाँ पे फूडीज हैं, सबसे पहले ये इंजॉय करते हुए ब्रेकफास्ट, और इनको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। रेगुलर आते हो या पहली बार आए हो? रेगुलर आते हैं। और क्या पसंद आता है यहाँ का? हर चीज़, हर समोसे, कचौड़ी, जलेबी, मालपुआ, सब। और हफ्ते में कितनी बार आना जाना हो जाता है? हफ्ते में वैसे सामान्य तौर पे एक या दो बार आते हैं, महीने में 4 से 5 चक्कर हम 4-5 सौ दोस्तों के लग जाते हैं। अरे वाह, हमें इनका बहुत अच्छे से पसंद आता है, कचौरी हमारी बहुत फेवरेट है इनकी, सब्जी का एक अलग ही टेस्ट है इनका, अलग ही टेस्ट है। और मेरे को दिख रहा है बहुत प्यारा टेक्सचर है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको सबसे ज्यादा, देखिए इनकी 3-4 चीजें ही हैं, सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है आपको? सर, हम 4-5 लोग हैं, आज हम 3 लोग ही आए, लेकिन हमारा ये भी, जब भी हम मेरठ में, क्योंकि हम सर्विस वाले हैं, मैं LIC में हूँ, ये अमीन साहब हैं, ये जो स्वास्थ्य विभाग में, और हम जो जब भी हमें टाइम मिलता है सैटरडे, क्योंकि सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, तो हम जरूर आते हैं यहाँ पे। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। तो देखिए, पूड़ियाँ एकदम गुब्बारे की तरह फूल गई हैं। ये डबल फ्राई की जाती है, पहले हाफ डन कर ली जाती है, उसके बाद दोबारा डाली जाती हैं, और ये देखिए करारी लाल कर दी जाएगी। वाह, मेरा मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं रामो स्वीट्स के ऑनर से कि क्या कहना है उनका।
अपने आउटलेट के बारे में। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार देवी। और कितना टाइम हो गया इसको, रामा स्वीट्स को? 60 साल से बैठा हूँ मैं, 60 साल तो हो गए। अच्छा, तो आप 60 साल से आप ही चला रहे हो कि आपके फादर साहब पहले? हाँ, फादर थे, फादर के साथ मिलकर। अच्छा, और ये सुबह कितने बजे दुकान खुल जाती है? 5 बजे। 5 बजे आज के ज़माने में 5 बजे? वाह वाह। और कितने बजे तक रहता है? 10 बजे तक। दोपहर के रात के या? दुकान 10 बजे बंद होती है, ये तो 1 बजे तक बनता है। ये 1 बजे तक चलता है काम। और किसी दिन कोई छुट्टी वगैरह भी होती है? नहीं, नहीं, नहीं। और क्या क्या रहता है आपके पास, क्या क्या चीज़ें हैं? अब ये है, सुबह के टाइम में तो जलेबी है, कचौरी है, मालपुआ है। हाँ हाँ, समझे। ये तो नाश्ता, ये यहाँ का, ये नाश्ता सुबह का, ये सुबह का नाश्ता है। दोपहर के बाद में सब हो जाता है, समोसे हैं, खस्ता कचौरी है, अच्छा, बर्फी है, रसगुल्ले हैं, वो दोपहर के बाद चलते हैं। गाजर का हलवा है, कलाकंद है। वाह जी वाह। और मेरे को थोड़ा प्राइस बताइए, कितने की प्लेट रहती है आपकी? ये 40 रुपए की एक प्लेट है। अच्छा, कितने पीस? दो पीस रहते हैं। और जलेबी कैसे थी? 200 रुपए के जी। 200 रुपए किलो। और मालपुआ? ये 15 रुपए का एक पीस दे देते हैं। एक पीस दे देते हैं। हाँ, वैसे तोल से 250 रुपए किलो, 240 रुपए किलो, जो भी जैसा रहे। अरे वाह जी वाह। चलो जी, फिर हमें भी चखाओ आपका टेस्ट, बहुत तारीफें सुनी है आपकी। तो ऐसे बाहर बेंच लगे हैं बिल्कुल दुकान के, जहां आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। सामने इनकी शॉप भी है, वहां भी थोड़ा सिटिंग स्पेस है, लेकिन हमें ऐसे ही मज़ा आता है। स्ट्रीट फूड का मज़ा ही ऐसा है कि स्ट्रीट पे बैठ के इंजॉय किया जाए। ये देखिए आहा, पूरी देखिए, और अंदर देखिए, ये पीठी सर्व की गई है, ध्यान से देखिए। आहा, चलिए इसकी बाइट लेते हैं। और जो अंकल सबसे ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, वो अपने ये गाजर के अचार की कर रहे थे, जो सर्दियों में ही होता है, साथ में थोड़ी मूली रख के की गई है। और सब्जी तो हमने आपको दिखाई थी, छोले हैं, और ये देखिए आलू छोले, बढ़िया से। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, हल्की सी चटनी भी डाली गई है ऊपर। फर्स्ट बाइट लेते ही देखिए, मैं कहीं भी जब पूड़ियाँ वगैरह खाता हूँ ना, तो हमेशा मेरा दिमाग में मेरा जो अपना नेटिव प्लेस है अंबाला, वहाँ की पूड़ियों के साथ कंपैरिजन शुरू हो जाता है। ये खा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे अंबाले की याद दिला रहा है ये। हमने बहुत सारे शहरों में पूड़ियाँ ट्राई की हुई हैं, हर जगह का अपना अपना तरीका है, और ये काफ़ी कुछ जैसे मैं अंबाला में खाता था वैसी ही खुशबू है, वैसे ही फ्लेवर है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि जब हम अंबाला में खाते हैं तो साथ में कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी होती है, वो यहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ये आलू तैयार किए गए हैं, छोले तैयार किए गए हैं, बिल्कुल मुझे वही मज़ा आ रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आए, और चटकारेदार है, थोड़ा स्पाइसी भी है, और मज़ा आएगा आपको बहुत। एक होता है ना, आप यूपी में निकले, यूपी की स्ट्रीट फूड ट्राई कर रहे हैं, पूरा स्ट्रीट फूड फ्लेवर है और अच्छी क्वालिटी है। आप ये देखिए, ऑयली भी नहीं है, आपके सामने इतना फ्राई किया गया, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा ऑयली नहीं है कि आपके हाथों में तेल लग जाए। तो मेरी तरफ से थम्स अप है इस जगह को। पूड़ियाँ खाने के बाद उसमें करारी पूड़ियाँ थी, जो सब्जी है बहुत करारी है, और शी की आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसको शी की आवाज़, इसके बाद इतनी करारी चीज़ खाने के बाद मीठा बनता है। और जिस चीज़ को मैं कह रहा था कि ये गुलाब जामुन है, बेसिकली ये मालपुआ है, ये देखिए। वाह जी वाह वाह, इसकी बाइट लेते हैं। ओह, से देखिए, ऐसा मालपुआ मैंने कभी नहीं खाया, इतना स्वाद मालपुआ मैंने कभी नहीं खाया। बाहर से सुपर क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट, और मीठा तेज है, लेकिन 15 रुपए में वर्थ है जी, मज़ा आया। चलिए भी देखते हैं।
जैसी मुझे जलेबी पसंद है, तेज मीठा करारी बिल्कुल वैसी है, और ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बिल्कुल पतली पतली है, जैसी मुझे पसंद है बिल्कुल वैसी है। पूड़ियाँ खाने के बाद मैं ये कहूँगा आपकी प्रेफरेंस है, मालपुआ खाइए या जलेबी खाइए, दोनों ही लाजवाब है, मज़ा आ जाएगा। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बार बार आना पसंद करूँगा। तो अभी आपको लजीज पूड़ियों का नाश्ता दिखाया, वहीं गलियों में घूमते हुए हमें हमारे व्यूवर मिल गए और उन्होंने हमें बताया कि यहीं से कुछ कदमों की दूरी पे ये हलवाई की दुकान है। जी हाँ, खेमा हलवाई। इनका मेन्यू भी रामू स्वीट्स जैसा है, लेकिन जो हमें हमारे व्यूवर मिले उन्होंने बताया कि ये जो खेमा हलवाई है ये मेरठ के सबसे पुराने यानी कि 100 साल पहले जो सबसे ज़्यादा फेमस हलवाई थे वो है, और उनके ही आगे की जनरेशन ने ये एक नई दुकान खोली है। तो लीजिए यहाँ पर ये देखिए, आहा बिल्कुल गर्मा गर्म जलेबी तैयार होती हुई। तो लीजिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे सर्व की जाती है, अच्छे से कचौरी के ऊपर छोले डाल के दिए गए हैं, ये देखिए, और ये इसके अंदर दाल की स्टफिंग है, टेस्ट करके देखते हैं, और ऊपर पनीर भी है थोड़ा थोड़ा डाला हुआ, टेस्ट करते हैं। जैसे कि छोलों का टेक्सचर देख के आप समझ जाएंगे कि जो हमने अभी पहले एक दुकान पे खाए थे वो बहुत करारे थे, लेकिन ये वैसे नहीं हैं, अच्छे हैं, चटपटे हैं, और कचौरी के साथ बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो दोपहर की भूख है, शाम की भूख है, उसके लिए परफेक्ट है। रेट भी बहुत लाजवाब है, और साथ में यहाँ भी मिल रहा है गाजर का अचार। और आपका इस बाज़ार में आना जाना हो तो आपको पता है कौन सी जगह पे आपको क्या चीज़ खानी है।